नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो सोशो ज्ञान की टैरो कार्ड सीरीज। मैं हूँ बलविंदर कौर, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम आपको जानकारी देंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड के बारे में। स्वॉर्ड्स में भी सेम 14 कार्ड होते हैं और एक से लेके 10 तक नंबर वाइज कार्ड होते हैं। बाकी के जो बचे हुए 4 कार्ड हैं उन्हें जो है हम कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे कार्ड हैं, यानी कि इस कार्ड में जो स्वॉर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है, क्योंकि एक से लेके जो 14 तक के कार्ड हैं सब में स्वॉर्ड्स रहेंगे, यानी कि सब में तलवारें रहेंगी, लेकिन ये बताती क्या है हमको तलवारें। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वॉर्ड्स के हमारे कार्ड्स हैं ये वायु के तत्व हैं, यानी कि हवा से जुड़े हुए हैं, हवा से रिलेट करते हैं ये कार्ड्स जो हैं। और ये जो है हमारे मेंटल स्टेटस को भी बताते हैं, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देते हैं। और फ्रेंड्स, कार्ड ये भी बताते हैं स्वॉर्ड्स के कि आप में जो है अच्छे कर्म करने की आपकी कितनी क्षमता है, आप कितनी अच्छी तरह से सोच पा रहे हो चीज़ों को, लोगों के लिए कितना अच्छा कर पा रहे हो, और मतलब ये भी ये दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम आपको जानकारी देते हैं स्वॉर्ड्स के पहले कार्ड के बारे में, जिसका नाम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस का मतलब आपको पता है शुरुआत, यानी कि शुरुआत का कार्ड है ये। हमेशा ही एस का मतलब शुरुआत होता है, यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कार्ड आ सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप तो ये कार्ड आने के बाद में। और आप कार्ड में देख सकते हो कि बादल है, बादलों में से एक हाथ निकल कर आया हुआ है और हाथ में जो है एक तलवार है। तलवार में जो एक वाइट लाइन है, वाइट पोर्शन है, वो दिखाता है कि तलवार जो है ये साइड से, मतलब एक साइड से धार है तलवार की, और तलवार के ऊपर जो है एक राउंड रिंग बना हुआ है और उसमें से जो है ग्रीन जो है बेलें छोटे छोटे निकली हुई हैं और एक बेल पे जो है छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। ये जो सब चीजें हैं हमारी ग्रोथ को बताते हैं कि आपने जो काम शुरू किया तो उसकी कितनी ग्रोथ होगी, आपको उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कार्ड मेहनत बहुत लेता है, मेहनत तो होगी अच्छे से तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। और शुरुआत तो दिखाता ही ये कार्ड शुरुआत है, तो आप हर काम शुरू कर सकते हो, यानी कि उसके लिए पॉजिटिव कार्ड है। और फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत के बाद ही जो है आपको इसमें कामयाबी मिलेगी, ये कार्ड बताता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैंने अभी अभी इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए, क्या ये मेरी जॉब लगेगी, सामने वाले का अगर ये क्वेश्चन आता है और आंसर में एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है ये वाला, तो आप बोल सकते हो कि जॉब तो लगेगी ही, हर हाल में जॉब लग जाएगी, लेकिन जो है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये वाली जॉब मेहनत बहुत करवाएगी और पेमेंट कम होगी, यानी कि पैसा कम मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉस जो है सामने वाला बंदा खड़ूस हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, यानी कि होगा सब धीरे धीरे, यानी कि थोड़ी थोड़ी अड़चने होंगी लेकिन होगा। और फ्रेंड्स, कार्ड बताता है कि आपको अपने ख्याल जो है हमेशा अच्छे रखने होंगे, हिम्मत से काम लेना होगा एकदम से। फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव कार्ड भी है हमारा, शुरुआत का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड आने से आप कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको जो है अपने फैसले सोच समझ कर लेने होंगे और खुद से लेने होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर बहुत टाइम से जो है आपके काम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको जो है धैर्य रखना होगा, ये भी कार्ड बताता है, धैर्य रखना होगा, शांति से जो है अपने आने वाले टाइम का इंतजार करना होगा और आप देखोगे कि आने वाला जो टाइम है उसमें सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के लिए आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको कुछ और जानना है इस कार्ड के बारे में तो प्लीज हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और अगर आप सबको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर सच में दिल से अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए कार्ड के साथ। नमस्कार। Thanks for watching our video. Please hit the subscribe button for getting regular updates.